खामोशिया बेचैनिया ना दानिया। ओए सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। 2 मिनट हो गए। मम्मी मम्मी, ये किस तरह की कहानी सुनाई तूने? अरे मम्मी जी, राजा रानी की कहानी मैंने तो एकदम एंड तक सुनाई आपको। इतनी छोटी कहानी हमने आज तक नहीं सुनी। देखे देखे, ये लोग भी कितने खुश है। और नलायका, अंडे मिलेंगे, अंडे है? अंडे मिलेंगे? मम्मी जी मुझे अंडे बहुत पसंद है, मैं खा लूंगा। हाँ। खानिया, मैं जीरो मार्क्स की बात कर रही हूँ, स्कूल में मिला करते थे। मम्मी जी अब मेरी बारी, मैं कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो मेरी कहानी है प्रिंसेस रूपनजाल और प्रिंस चार्मिंग की। ओके मम्मा सुनाओ। अरे यार ऐसे तो ये जीत जाएगी। नंदू कुछ सोच, कुछ ऐसा कर जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। तो उस चुड़ैल बुढ़िया के पास एक ड्रैगन था जो कि प्रिंसेस रूपनजाल की रखवाली करता था। मम्मी जी देखिए ना, मम्मी जी देखिए ना, डिस्टर्ब कर रहा है। ए, बहुत तरह टाइम जा रहा है टाइम। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि प्रिंस चार्मिंग टावर पर चढ़ गया और वहाँ वो प्रिंसेस रूपनजाल से मिला। काट लिया, चींटी ने काट लिया। तो जब प्रिंस चार्मिंग ड्रैगन से लड़ाई कर रहा था, उसे चींटी ने काट लिया। मम्मी जी मुझे कहानी तो पूरी करने दीजिए ना। अब क्या खत्म करनी है, तेरा तो टाइम ही खत्म हो गया। क्या सच? उसके साथ मेरा दर्द भी खत्म हो गया मम्मी जी। नंदू, क्या नंदू, इसका मतलब है कि तुम दोनों हार गए हो। दादी मम्मी, पापा और मम्मी से नहीं होगा। अभी हमें कोई कहानी सुनाओ। हाय मेरे पुत्र, मेरे लाल, मैं तुम्हें महारानी तारावंती की कहानी सुनाती हूँ। महारानी तारावंती ने बच्चों के सारे दुश्मनों को ना उठाकर से जोर जोर से पटका, दार 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 दार। फिर उनका मुंह काला करके गधे पे बिठा के ना पूरे राज्य में घुमाया। दुश्मनों का मुंह देखने लायक था, सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। महारानी तारावंती ने सारे बच्चों को कहा कि हमारे गार्डन में आके तुम खेला करो। दो जी बच्चे बड़े खुश हो गए, हाथी घोड़े चिंपैंजी शेर सारे खेला करते थे। बच्चे बड़े खुश थे। फिर क्या हुआ, एक छोटा सा व्हाइट कलर का खरगोश था, उसके ऊपर से तितली उड़ती हुई आई। आहा, 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 और बच्चे को ना गुदगुदी करने लगी। अच्छा हुआ। हाँ, नंदू, हाँ। बच्चे कितने खुश है ना। अरे खुश क्यों नहीं होंगे, मेरी मम्मी जी कहानी ऐसे सुनाती है। वो तो है। अरे पता है चंदू, जब मैं छोटा था ना, मम्मी जी मुझे महारानी तारावंती की कहानियाँ सुनाती थी। उनके पास सुपर पावर्स है और वो सबकी बैंड बजा देती है। बोला कुछ नहीं, वैसे मम्मी जी कहानी अच्छी सुनाती है। और सबसे अच्छी कहानी सुनाते हैं वो पप्पू हम सबको। पता नहीं पप्पू को महारानी तारावंती की कहानियाँ कैसे पता है, वो तो तभी था ही नहीं, वो मम्मी जी से मुझे सुनाती थी। महारानी की कोई कहानी वानी नहीं, वो धोखाधड़ी की कहानी सुनाते वो भी हम सबको। धोखाधड़ी, ये कौन है? अरे चुप करो नंदू, मुझे बात करने दो। तानिया क्या हुआ बोल, इतना गुस्से में क्यों है? वो दुकान पर ही नहीं है इसलिए गुस्सा हूँ। अरे फिर तो दुकान वाले को गुस्सा होना चाहिए, तू क्यों गुस्सा हो रही है? अरे वो मुझे कहानी बता के गया कि वो दुकान पे जा रहा है और दुकान पर जाके देखा तो गायब है। 2 दिन हुए उसने नया काम ज्वाइन किए हुए। अरे कहीं उसने ये काम भी छोड़ तो नहीं दिया? अगर छोड़ दिया होगा ना तो मैंने उसकी हड्डियाँ तोड़ देनी है। तो फिर गया, मेरा मतलब है तान्या, अगर पप्पू गया तो गया कहाँ? सीआईडी साहब, वो बांदरी से मिलने गया होगा। ये तान्या बांदरी नहीं, सुंदरी तोड़ने वाली। ऐसा पप्पू होता तो बोलता ना तान्या को। अरे तान्या तुझे पता है कल रात को भी वो दुकान के बहाने लेट आया और सुबह सुबह जल्दी निकल गया। नंदू दीदी
एक बात तो तय है कि अगर मैंने उस बांदरी को इस पप्पू को रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैंने चटनी बना देनी दोनों की। तो फिर वेरी गुड तानिया, एक काम करो तुम कल आ जाओ, क्योंकि कल ना हम लोग वो लकड़ी वाला टेबल रंगने वाले। पप्पू के हाथ में रंग लगा होगा और फिर तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लेना और उसका क्रियाक्रम कर देना, मजा आएगा। चल करो। खामोशियां बेचैन।